अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो। जेडी गोट फार्म पे हम लोग इमरान भाई के साथ में, और ये बहुत यूनिक वीडियो है क्योंकि जेडी गोट फार्म इज अ प्योरली पलाई फार्म। सेलिंग के बकरे आपको देखने नहीं मिलते। ये आज क्या कुछ अलग है ये आपको दिखाएंगे हम लोग, और ये बहुत बड़ा चांस है लोगों के लिए क्योंकि हर एक कोई चाहता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट फार्म से बकरे लें, तो उन्हें मौका भी मिलेगा। आइए बात करते हैं इमरान भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिम भाई, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है जी, जी। मैंने दोनों बातों का यूज किया जी। एक तो आप सेलिंग नहीं करते? बिल्कुल नहीं करता। इट्स जीरो, लाइक इट्स नॉट योर बिजनेस। पलाई, लॉजिंग, बोर्डिंग, बस वही है जी। लेकिन बाज मरतबा कुछ कस्टमर्स, कुछ प्रॉब्लम्स या यू नो, उसके वजह से बकरे सेल करने पड़ते हैं जी। अगेन हर एक की एक तमन्ना होती है ना जी, जैसे कि बच्चों की, कि मैं यहाँ से बकरा लूंगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप सेलिंग नहीं करते हो तो उनको मौका नहीं मिल पाता है जी। तो आज ये मौका है जी, ठीक है। जेडी गोट फार्म पे आ जाओ, कुछ बकरे जो हम दिखा देंगे डिटेल्स और प्राइस के साथ जी, जिसको भी चाहिए इंशाल्लाह बुक कर ले फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है इमरान भाई। वीडियो शुरू करते हैं बकरों के साथ, बीच में कुछ बातें भी करेंगे। ओके, ठीक है, इससे स्टार्ट कर लेते हैं इमरान जी। आसिम भाई, मैं ओनर का नाम भी बता दूंगा जी, बराबर, कि भाई किसका है, क्या है, बराबर। ये गुजरी बकरा है। ओके, ऐसा तो साथ में रुक जा दांत बताने के लिए। ये पंच है। ओके, ये पूरा अंडुल नहीं है। देखिए, मैं जो भी चीज अगर ऐप रहेगी तो मैं ऐप दिखा दूंगा, क्योंकि क्या है कि मैं मेरे आंख पे कुछ चीज लेना नहीं चाहता हूँ। कुर्बानी का मसला है कि कल भाई मेरे साथ गलत हुआ या ये हुआ। ये पंच है, लेकिन ये इतना गरम बकरा है इमरान भाई। पंच में इतना गरम है, अंडू में क्या आलम होगा, क्या आलम कर लेता है ये बहुत गरम बकरा है। और वेट भी अगर आपको देखना हो तो मैं वेट भी बता सकता हूँ कि किसी को दिक्कत नहीं हुई, दांत भी बता सकता हूँ और प्राइस भी बता दूंगा वीडियो में जी। ये हमारे दोस्त है आरिफ भाई जोगेश्वरी, इसके बेटा दांत बता, आरिफ भाई जोगेश्वरी का बकरा है जी। ये पूरा साल पला है जेडी पे? नहीं, ये मेरे पास पूरा साल नहीं था आसिम भाई, बराबर। ये देखो, ये पूरा आठवा दांत किया है, अभी ये किया है। अभी किया है दोस्तों, छह दांत का बकरा जी, आठ दांत बहुत छोटे छोटे इसके जी। आपको ये नजदीक आने नहीं देगा, ये इस कदर का गरम बकरा है। ओके, और वेट भी मैं समझता हूँ जो हिसाब से उसकी तैयारी है, मैं थोड़ा वेट कम ही बताऊंगा जी, क्योंकि आप आके जब देखोगे लाइव तो आप वेट देख सकते हो। मैं 2-5 किलो कम ही बता दूं तो ज्यादा बेटर है। आप इसका एवरेज 90 किलो पकड़ के चलना जी, अल्लाह ने चाहा तो उससे ज्यादा निकलेगा। सही है, बराबर। इसका कलर, इसके चेहरे पे रिंकल्स माशाल्लाह, और इसकी गर्मी जी, ये वो वाला बकरा है जी कि अब्बा को चाहिए खस्सी और बेटे को चाहिए अंडुल, तो दिस इज द वन जी। इसका रेट बताएं अपने को भाई ने जी। भाई इन्होंने इसका रेट कोट किया है 90,000 रुपया, लेकिन ये नेगोशिएबल है। आप अपना प्राइस बता सकते हो, आप जो भी प्राइस बताएंगे हम लोगों को कोई नाराजगी नहीं होगी। सही है, 90,000 रुपया इन्होंने मांगा है, और ये कोई भी बकरा मेरा नहीं है। आप प्लीज ये नहीं बोलना कि भाई इमरान भाई के बकरे महंगे हैं, ये मेरे बकरे नहीं है, ये हमारी पार्टियों के बकरे हैं। कहीं लोगों का शौक पूरा हो जाता है वो बेच देते हैं, कहीं लोगों को ये हो जाता है कि बहुत ज्यादा हैवी हो गया है तो भी बेच देते हैं। बहुत से अपने रीजंस तो बहुत सारे हैं जी, बिल्कुल सही है, इस बारे में इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं जी। इमरान भाई ये एक सेकंड बकरा देख लेते हैं हम लोग जी, इसके भी दांत बता बेटा। ये अजमेरों में है जी, ये हमारे दोस्त है, उनके घर का बच्चा है ये, और मैं समझता हूँ 60-65 किलो पे होगा। ये अभी है आसिम भाई चौथे दांत पे बच्चा है। आप ये 65 से 70 किलो पकड़ के चलना, 65 पकड़ लो आप, समझे। इसके फाइनल 45,000 रुपये मांग रहे हैं जी। जी आप बकरा देख लीजिए, ये पालने लायक बकरा है, जिसको भी लेके रखना है, इसमें से कोई भी बकरा पलटी के लिए रखना है तो सारे बकरे केज में है, वही केज उनको मिलेगा। मेरा पलाई चार्ज है 3,700 रुपया अंडुल का, खस्सी का 3,200 रुपया है, बकरी का 3,000 रुपया है, 1,000 रुपीज वन टाइम वैक्सीनेशन है। और दूसरा मैं आपको इम्पोर्टेंट बात ये बता देता हूँ कि ये मेरे पास के सेट जानवर है, इसमें आपको वैक्सीनेशन नहीं देनी पड़ेगी, ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। सही जी। मेंढो का नहीं बताया आपने, क्या मेंढो की पलाई? मेंढो की 3,700। यस, यहाँ आ जाते इमरान भाई जी, दोनों लाइन पैरेलली दिखा देंगे जी। वाह,
देखिए ये भी एक गुजरी बकरा है, गुजरियों में आएगा जी। ये भी चार दांत पे ही है, प्योर चार दांत का बच्चा है ये। ये भी घर का पला हुआ बच्चा है ये। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जेडी पे पैदा हुआ है, लेकिन हमारे एक दोस्त का फार्म है, ये उनके यहाँ का बकरा है। इसका फाइनल 70,000 रुपया कोट कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से और 5-1,000 रुपया कम कर डालेंगे जी। ये पालने लायक बच्चा है राइट? 100% चेहरा वगैरह, गला पट्टी देखो 100% चौथे दांत का, प्योर चौथा दांत है, प्योर चौथा दांत है। नेक्स्ट ईयर के लिए किसी को चाहिए तो अच्छी चीज है जी। जी इमरान भाई, ये अगेन आदिब भाई जिनका अभी एक गुजरी था जी, ये मालवा है उनका। ये मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको मेरी बात पे एतबार है तो ये बकरा लेना। ये बकरा वाकई में बहुत अच्छा बकरा है, बहुत बड़ा बकरा बनेगा, बहुत बड़ा बकरा बनेगा ये, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला। मालवे बहुत शॉर्ट आते हैं, लेकिन ये लंबे लेंथ में मालवा है और ये रेड स्किन पे है। देखो गुलाबी स्किन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि गुलाबी नहीं है वो, सही बराबर जो सच है वो बोला जाएगा। बहुत ले ले, साथ में आजा बेटा, साथ में आजा, साथ में ले ले शकील एक को। छह दांत पे बच्चा है ये, और कलर भी बहुत यूनिक है इसका। और मैं इजीली आपको बताता हूँ कि बकरे की पोजीशन देख के 85-90 के बीच में बकरा होगा इंशाल्लाह, बराबर। अगर आपको वेट देखना है तो मैं वेट भी करवा सकता हूँ, एक अंदाजा ही दे दे तो बेहतर, क्योंकि बहुत बकरे हैं। इत्तेफाक ये है कि आसिम भाई जब आते हैं लाइट जाती है मेरी। हाँ इमरान ने बोले तुम दुआ चलेगा। इसका प्राइस बताया आपने? इसका प्राइस वो मांग रहे हैं 90,000 रुपया, 90,000। स्लाइटली नेगोशिएबल है क्योंकि क्या है ये महंगी खरीद है और बकरा बड़ा है। देखो मालवे का मेरे को बहुत अच्छी मालूम आता है मालवे में, समझे? ये बकरा गरम के साथ साथ ये बड़ा बकरा है। मालवों में इतनी लंबी लेंथ नहीं आती है, कम आती है, ओके। लेकिन ये बकरा मैं बोलूंगा कि रिकमेंड करूंगा कि बकरा रखो, ये बकरा पालो 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 सही है। आइए एक और बकरा देखते हैं। ये भी मालवा में आएगा भाई? ये भी मालवा ही है, ये भी मालवा है। सिक्के बहुत जबरदस्त है, ये कुर्बानी के लिए यूज कर सकते हैं आप। दांत देखो, देखो इसमें, ये भी मेरे को लगता है कि छठे दांत पे होगा ज्यादातर, या अभी आठवां खोला होगा तो खोला होगा, समझे? सिक्के देखो इसके। और कोई भी बकरा जो है ना, छह दांत पे देखिए, ये भी पलटी हो सकता है और बहुत रुबाब में बच्चा जाएगा। बहुत रुबाब, सिक्के देखो ना इसके, सिक्के देखो इसके, इसका शेप देखिए आप, ये कमानदार है, नीचे से जाएगा ऊपर से खड़ान दिखाएगा ये। क्या बात, ये माशाल्लाह। कलर पैटर्न भी बहुत अच्छा, बहुत नायाब बराबर। इसके क्या मांग रहे हैं आरिफ भाई? ये इसके 75,000 रुपये मांग रहे हैं जी। जी भाई आइए, बहुत बड़ा कारोली, कारोली बोलिए, कारोली में तीसरे दांत पे बच्चा है। दो दांत चौथा लगा है, तीसरा और चौथा लगा है, चौथा लगाया है, सही है। बहुत बड़ा बकरा है माशाल्लाह, समझे? कान की साइज देखो आप, साइज भी अच्छी है और ये बकरा 100% पालने लायक बकरा है। मैं ये बकरे के बारे में ये बोल सकता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये 115-20 किलो का मटेरियल अगले साल का है ये इंशाल्लाह। अभी इसका लाइफ वेट मेरे हिसाब से 75-80 किलो होगा, 80 किलो आप पकड़ के चलो। लंबे लेंथ का बकरा है, बहुत लंबे लेंथ और काफी अच्छा चेहरा, कान भी अच्छे है माशाल्लाह। जी जी जी, पालने के लिए अच्छी चीज है जी। आइए ये वाला देखते हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ा बकरा है मैम जी। ये देखिए सिक्के देखिए, कोटो में है, कलर बहुत अच्छा है, बराबर। ये अगेन जो है मोहसिन भाई का बकरा है, मोहसिन भाई रवानी उनका बकरा है ये। सिक्के वगैरह बहुत जबरदस्त है, लुक्स में भी बहुत अच्छा बकरा है, समझे? क्या वजन आ जाएगा मैम इसका? इसका मेरे हिसाब से 95 आना चाहिए इसका। बहुत शानदार बकरा है माशाल्लाह जी, 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 जी। क्वालिटी देखिए आप लोग, बहुत अच्छा बकरा है, लुक्स लेंथ हर चीज है इसमें जी। तो इसके कितने मांग रहे हैं भाई? ये उनका इसका मांग रहे हैं 120, नेगोशिएबल है भाई, नेगोशिएबल जी। बहुत भारी जी, पैर वैर का भी मजबूत बच्चा, मजबूत बच्चा है। आइए देखिए ये एक और कोटा है, ओके, गुलाबी कोटा है, दो दांत का कोटा है, दो दांत पे कोटा है, 65 किलो के ऊपर होगा माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है, ओके। ये 65,000 रुपया मांग रहे, ये गुलाबी है देखिए, बराबर। वो रेड स्किन थी, ये गुलाबी स्किन, गुलाबी स्किन के अंदर कलर पैटर्न भी बहुत अच्छा है, सिक्के भी बहुत अच्छे है। ये दो दांत का बच्चा है, अगेन पालने लायक बच्चा है। आपको दांत देखना है बता दूं, इसके दांत
एक बार चेक कर लो। हाँ इमरान भाई, काफी लोग जो बाहर से भी वीडियो देख रहे हैं जी, वो इनमें से बकरे खरीद के अपने पास ही पलवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी डील कर लेंगे आप। भाई मेरे फार्म का कोई ऐसी जिद नहीं है, आप लेके आपको जहाँ पालने का पालिए जी, ओके। यहाँ रखना है यहाँ रखिए, कोई दूसरे फार्म पे रखना है आप दूसरे फार्म पे रखिए, मेरी कोई शिकायत नहीं है, ओके। मेरा वैसा है नहीं कि भाई यहाँ से खरीदो तो यहाँ ही रखो, सही। जब तक कि मेरी रोजी मुकर्रर है मिलेगी, मेरी रोजी खत्म जाएगा जाने। और क्योंकि ईद को कम टाइम में तो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो जाएगा, कोई बाहर से खरीद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। आइए ये देखिए, ये एक हैदराबादी बकरा है क्रॉस में, बहुत जबरदस्त बकरा है आसिम भाई, ये छठे दांत, क्या बात है, छठे दांत एकदम नर बच्चा, जबरदस्त। ये आठवां अभी जस्ट किया जाएगा, ये 103 किलो पे है, 103 किलो का बकरा, अल्हम्दुलिल्लाह। कान की साइज भी देखें आप, बकरा बहुत अच्छा है, ये दोनों पर्पस में यूज कर सकते हैं, सोजत के साथ क्रॉस करना है तो ब्रीडिंग के ब्रीडिंग सेटअप के लिए आप, और अगर आपको ऐसे ही पालना है तो ऐसे पाल सकते हैं। मैं वो लेवल की ब्रीडिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ जो हैदराबादी नर मिलते हैं भाई, बराबर, वो एक अलग चीज है। हाँ। मैं पूरी क्लियर आपने बताया ना सोजत का, आपने पहले क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया, सही है। वो जो आते हैं वो तो बहुत लंबे कान के आते हैं, ये भी अपना आरिफ भाई का है, आरिफ भाई का एक ये कोटा है, बहुत शानदार कोटा है ये। ये दांत देख लो इसके, सिक्के देख लो, कान देख लो, जबरदस्त। बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है। एक बार इसके दांत चेक करके आपको बता देते हम लोग। ये कम दांत पे रहेगा ये आसिम भाई, ये मेरे हिसाब से चौथा या छठा किया रहेगा, चौथा रहेगा, लगा दिया आठ, लगा दिया उसने आठ दांत पे, ये तो हमने देख लिए, देख लिए है ना। आगे है कि ये हम कंप्लीट कर लिए, ये कंप्लीट हो गए, ये सेट पूरा कंप्लीट हो गया माशाल्लाह, 2, 4, 6, 8 ये 10 बकरे थे, सही है मैम। तो ये 10 बकरे सेलिंग के हैं, जिस किसी को भी लेना हो मेरा नंबर है 9820473058। अगर आपको बकरे लाइव देखना है तो आप यहाँ पे जो है 4 बजे से लेके 9 बजे तक के आ सकते हो, अगर आप 9:30-10 बजे आएंगे तो मेरा फार्म बंद हो जाता है, सही है। 4 से 9 एनी डे टिल ईद है ना, टिल ईद तक के कभी भी आप कभी भी आ सकते हो, ओके। सही, और अगर कोई ऑनलाइन डील करना चाहता है तो भी जी कर सकते हैं, इमरान भाई से कांटेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आसिम भाई आपका बहुत शुक्रिया। एक और वीडियो आई थिंक इसके बाद और भी कुछ बकरे देखेंगे इंशाल्लाह, अगर अगर इलेक्ट्रिसिटी ने हमें परमिशन दी, नहीं नहीं आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।